94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शांसी खान 94 न्यूज़ से। आज हमारे गेस्ट हैं प्रोग्राम आज के मेहमान में जनाब एमबी गौरी साहब, जो कि पंजाब स्नोकर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सुना है आप स्नोकर लवर भी हैं, कितने अरसे से हैं? जी मैं स्नूकर टेबल मेकिंग भी करता हूँ। अच्छा। और स्नूकर प्रमोट भी करता हूँ। मैं पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वेरी गुड। मैं पिछले 30 साल से स्नूकर में ही हूँ। क्या बात है। अच्छा, ये शौक कैसे आपको डेवलप हुआ है? फैमिली में था या जस्ट किस तरह से आपने इस चीज़ को फॉलो किया है कि मैंने इसी चीज़ में आगे जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 1987 में मैं कराची गया। अच्छा। वहाँ से मुझे शौक पैदा हुआ। वहाँ एक छोटी सी दुकान के अंदर छोटी टेबलें लगी होती थी। अच्छा। तो आप स्नूकर तो वो फिर हम खेलने जाते थे शाम को जब फारग होते थे तो वहाँ से मेरा एक माइंड में आया कि मैं ये फील्ड बहुत अच्छी है, मैं स्नूकर का काम सीखूँ। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से 4 साल लगाए। अच्छा। स्नूकर टेबल मेकिंग का काम सीखा। तो मैं पूरे पंजाब में मैं फिर 1990 में मैं लाहौर आ गया। तो लाहौर से भी मैंने इसको काम शुरू किया। तो माशाल्लाह अब मैं पूरे पाकिस्तान में टेबल बनाता हूँ। माशाल्लाह। तो सर ये आपका फैमिली बिजनेस है या जस्ट आप ही इस फील्ड में? नहीं, इसमें मैं ही हूँ फील्ड में, फैमिली में नहीं है। लेकिन अब मेरे काफ़ी शागिर्द हैं जो मेरी रिलेटिव भी हैं, तो और भी लड़के हैं जो मेरे दोस्त। आप खिलाड़ियों को प्रमोट भी करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल, जब हमारा काम ही ये है, फील्ड ही ये है, तो फिर हमें इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, इसको प्रमोट भी करना होता है। जो इस गेम के खिलाड़ी है, जब तक हम उनको आगे नहीं लेके आएंगे, इंटरनेशनल नहीं लेके जाएंगे, नेशनल लेवल पे नहीं खिलाएंगे, तो फिर हमारी गेम पर उनको गाइड करते हैं और सिखाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी ये टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं। हाँ, हमारा जो खिलाड़ी है हम पंजाब से तैयार करके खिलाड़ी भेजते हैं, जो वो पहले पाकिस्तान खेलता जाके फिर वो इंटरनेशनल जाता है। तो बहुत से खिलाड़ी हैं जो हमारे पंजाब के इस वक्त भी ज़्यादा ग्रो पंजाब में इस वक्त कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर इसके अलावा क्या मसरूफियत है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है इसके अलावा? मेरी इस काम में मसरूफियत 12 घंटे की है। अच्छा। मैं पिछले 26 साल से लाहौर से जब शुरू किया तो मैं 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ। मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, रात को 11 बजे, 10 बजे के बाद मैं घर जाता हूँ। तो इसी में मेरे साथ क्लब ओनर भी हूँ मैं। अच्छा। टेबल मेकिंग का काम भी मेरा है और साथ में मैं एसोसिएशन भी चलाता हूँ, पंजाब की एसोसिएशन मैं 97 से चला रहा हूँ। तो इस तरह मसरूफियत मेरी और किसी काम में नहीं है। तो ये हर साल आप टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं मैच के? जी बिल्कुल, दिसंबर में हमारे पंजाब कप शुरू होते हैं। अच्छा। उसमें अंडर 18 है, अंडर 21 है। अच्छा। सीनियर है, मास्टर है, तो ये सारे इवेंट हम करवाते हैं दिसंबर में। जनवरी में इनको नेशनल के लिए भेज देते हैं जो कि कराची इस्लामाबाद में होती है। आई थिंक ये जितने अवार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं ये सारे आपके सलाहियतों को मनवाने के लिए हैं और बताते हैं कि वाकई आपने कुछ अचीव की हैं अपनी लाइफ में चीज़ें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अवार्ड्स मुझे नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैक पे भी काफ़ी चीज़ें सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके लगे हुए हैं। जी मैं इसमें ये कहाँ कहाँ आप गए हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस यहाँ तक आपको जो अचीवमेंट्स मिली हैं, तो कैसे क्या आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व करने के लिए जो आपने अपनी अपने आप को किया है सर्वाइव, तो किस तरह से ये चीज़ें आपकी चली हैं? मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा। अच्छा। वो इसलिए कि मेरा इस काम में जुनून था। फैमिली कोऑपरेटिव होगी? बिल्कुल, फैमिली ने मुझे नहीं रोका किसी भी काम में, जो करते हैं अपनी मनमर्जी से करो। अच्छा, तो मुझे किसी ने नहीं रोका। तो मैं भी इसके काम में जुनून था, मेरा शौक था बहुत ज़्यादा कि मैं एक नाम पैदा करूं। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था मतलब। अच्छा। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की स्नूकर में मैं एक नाम जाना जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मैं इस स्नूकर गेम को इंटरनेशनल लेवल की जो टेबलें थी वो भी मैं बाहर से इंपोर्ट करके लेके आया हूँ। मैं शैंडर में, स्टार में, विराका में, 3 इंटरनेशनल कंपनियाँ बड़ी हैं। जी जी। मैं उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। अच्छा। तो चाइना से हम टेबल इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी मैंने पाकिस्तान में बहुत फैलाई हैं।
मैंने अपने खिलाड़ी को, जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है, उनको होम ग्राउंड जो होती है ना, क्योंकि खिलाड़ी की जान टेबल होती है, ग्राउंड उसको अच्छी ना होगी तो वो मैंने जो खुद टेबल मेकिंग करता हूँ वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी दी है उनको। तो मैंने इंटरनेशनल जो ज़रूरत थी हमें इनकी कि हमारा खिलाड़ी जब यहाँ की ग्राउंड पे खेले आगे भी उनको वही ग्राउंड मिले, तो जो फ़र्क था वो भी मैंने निकाला। अच्छा, तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। जी बिल्कुल, तो और वो एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो आज हमारे सामने भी है। और जी माशाल्लाह से, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप में इतना टैलेंट है, आप लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, इनको गाइड करके, सपोर्ट करके, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये फैमिली को भी किस तरह से टाइम देते हैं, अपनी क्या लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह फैमिली को करते हैं? फैमिली को ऐसे ही है, आपकी ऐसे ही है कि मेरा फैमिली के साथ कि मैं संडे को ऑफ होता हूँ, मैं नहीं आता। अच्छा, काम बंद, ठीक है। जो मेरे साथ लेबर है, मेरे साथ जो दोस्त बच्चे काम कर रहे हैं वो भी एक दिन छुट्टी करते हैं। अच्छा, तो मैं भी एक दिन छुट्टी करता हूँ, वो सारा दिन फैमिली को है, उसमें फ़ोन भी नहीं सुनना होता, तो उसमें कई बार भी नहीं जाना होता, सिर्फ बच्चों के साथ जाना, कभी जाना। तो अच्छा, ये बच्चों में भी चीज़ डेवलप हुई है जो आप में चीज़ें थी, तो कोई बच्चा भी शौक नहीं? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों में अभी नहीं, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मेरा अपना ही बस शौक है, और मैं बहुत से बच्चे जो है मेरे, वो भी बच्चे ही हैं जो हमारे टैलेंट है जो पाकिस्तान का, मैं उनको निकालता हूँ। मैंने उनके लिए स्पेशली एक एकेडमी तैयार की है। अच्छा, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के तावन से PSB ग्राउंड में, वहाँ उन्होंने हाल दिया मुझे, वहाँ मैंने एकेडमी तैयार किया। अच्छा, अब वहाँ मैं कोचिंग भी स्टार्ट करने लगा। ये बस ये कवर्ड आ गया, कवर्ड के बाद अभी एक ही साल हुआ। उसमें अभी बच्चे आ रहे हैं, हम 4 इवेंट उसमें करवा चुके हैं। अच्छा, क्योंकि हमने वहाँ इवेंट की जगह बनाई है, कि हमारे कमर्शियल पार्लर के अंदर इवेंट मुश्किल होता था हमें, तो स्पेस नहीं होती थी, सेलेब्रिटी को लेके आना, किसी गेस्ट को लेके आना, चीफ गेस्ट को, तो उसके लिए जगह नहीं होती थी, इसलिए फिर हमने वो जगह दी है कि वहाँ ईजीली कोई भी सेलेब्रिटी आ सकती है। अच्छा, यूसुफ साहब जो हैं वो वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, उनके साथ भी आपके कुछ अच्छे लिंक्स थे, उनके साथ यूसुफ साहब जो है ना, वो मोहम्मद यूसुफ साहब पाकिस्तान स्नूकर के लेजेंड खिलाड़ी हैं। अच्छा, वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। जब स्नूकर का ग्राफ ऊपर आया ना, तो वो 1994 में यूसुफ भाई ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती जी। तो तब एकदम स्नूकर जो है ना, गली मोहल्ले से निकल के बड़े लेवल पर आना शुरू हो गई थी। तो मेरा यूसुफ भाई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। यूसुफ भाई के साथ मेरा 89 से जी एक लिंक था, तो 94 में वो वर्ल्ड चैम्पियन बने, तो लाहौर आए, मेरा उनके साथ फिर रब्ता हुआ। तो उसके बाद वो ऐसे है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, तो आज तक उनके साथ इसी तरह का लिंक रहा। तो उन्होंने बहुत परफॉर्म किया पाकिस्तान की स्नूकर में, जो यूसुफ साहब ने परफॉर्म किया, अभी तक मुझे नहीं नज़र आता कि वो इतनी परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि वो 13 दफ़ा नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम करना अभी नए खिलाड़ियों में बहुत मुश्किल है। अभी कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, खिलाड़ी वो परफॉर्म नहीं कर सकता, आगे दूसरा कोई आ जाता है। तो वो एशियन चैम्पियन भी रहे हैं, वो सीनियर मास्टर अबव 40 के भी वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, वो 94 में वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं। तो मेरा उनके साथ बहुत अच्छा तल्लक है। तो एक दफ़ा वो यहाँ 2012 से लेकर 14 तक लाहौर रहे हैं, मेरे साथ रहे हैं, तो फिर वो इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद से अब वो कराची होते हैं, लेकिन उस जैसी गेम अभी तक हमारे खिलाड़ियों में नहीं आई। उसके बाद 2012 में मोहम्मद आसफ़ फैसलाबाद से, जिनका तल्लक है, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, जो अभी भी कोरोना की वजह से वो आगे मैच नहीं चल सके, आगे इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप रुकी हुई है, तो अभी भी वो 19 से लेके अभी तक वो वर्ल्ड चैम्पियन वही है हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी। 2 दफ़ा वो भी वर्ल्ड चैम्पियन हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, आगे नए बच्चों का टैलेंट जो है बाहर निकालें। जी जी, तो उसके लिए कंपटीशन दे रहे हैं, और भी हमारे जो स्नूकर के लवर हैं, जो इस वक्त पंजाब भी ज़्यादा है, दूसरे सूबों में इतना स्नूकर नहीं हो रही, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में है स्नूकर, लेकिन इतनी नहीं जितनी पंजाब में है। तो इस वक्त पंजाब में
बच्चों को भी क्रेज है? जी बिल्कुल, जितने बच्चों को जितनी टैलेंट पंजाब में है किसी सूबे में नहीं है। अभी भी जो आप कह लें कि हमारे टॉप 16 जो खिलाड़ी हैं उसके अंदर टॉप 14 खिलाड़ी पंजाब के हैं, यानी दो तीन खिलाड़ी होंगे दूसरे सूबे के, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और भी हमारे दोस्त जो इधर उधर स्नूकर को प्रमोट कर रहे हैं, क्लब ऑनर हैं, किसी ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है तो वो भी प्रमोट कर रहे हैं, उनका भी अपना एक एंगल है तो उस पर स्नूकर के बच्चों को इवेंट दे रहे हैं, मतलब कंपटीशन देंगे बच्चों को तो मिलेगा ना, कंपटीशन देंगे उनको इनामत देंगे, तो वो भी दूसरे एंगल से कर रहे हैं, हम भी अपने एक एंगल से कर रहे हैं, मतलब कि सारी स्नूकर हमारी प्रमोट हो रही है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली स्नूकर है। क्रिकेट खेली जाती है लेकिन स्नूकर हर गली में है, हर मोहल्ले में है, हर गांव में, हर शहर में स्नूकर खेली जाती है। जी अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को और जो बच्चे न्यू कमर्स हैं आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं? बस मेरा तो एक ही मैसेज है कि कोई भी काम है, कोई भी शोभा है, स्नूकर का, हम तो स्नूकर हैं तो स्नूकर की बात करेंगे, तो स्नूकर के हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी बच्चे हैं जो नए टैलेंट है, जो नया आने वाला है, वो अपने माइंड को पॉजिटिव कर लें, नेगेटिव सोच छोड़ दें। अच्छा, क्योंकि नेगेटिव सोच से आगे नहीं वो जा सकते, खेल तो लेंगे लेकिन जो होता ना एक अपने माथे पे स्टार से जाना, मेहनत तो सारे करते हैं। अब जैसे कि लाहौर के अंदर 150 खिलाड़ी होगा, इसी तरह पिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में खिलाड़ी तो बहुत हैं लेकिन स्टार नहीं है, कलर नहीं है, जिसको हम कलर कहते हैं। कलर वही होता है जब वो कोई बड़ा इवेंट अपने माथे पे से जाता है, तो उसके लिए पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे के साथ तावन होना चाहिए। जब अरीने के अंदर होते हैं, डब टेबल के सामने खड़े होते हैं, उसमें कोई दोस्त नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, उस कोई आगे खेलने वाला जो भी होता है वो परफॉर्मर होता है, उसने उसको मारना होता है गेम में, तो गेम के बाहर आगे एक रिस्पेक्ट है, हारे या जीते वो नसीब की बात। एकेडमी आपने बच्चों के लिए बनाई है, इसकी टाइमिंग क्या है और क्या प्रोसेस है, कैसे बच्चों को कितने टाइम के लिए आप बताते हैं, सिखाते हैं? हम उसमें कर रहे हैं, अभी नहीं किया, अभी हमने बनाई है तो उसमें इवेंट हमने कराए 5-6। अच्छा, तो उसमें पंजाब चैंपियन हुई है, उसमें अंडर 18 अंडर 21 की नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, तो अभी हम मार्च में एक इवेंट और लेके आ रहे हैं। अच्छा। जो सीरीज कंपटीशन के लिए, अभी दिसंबर में भी हमने एक इवेंट कराया जो सिर्फ मकसद था कि स्नूकर को प्रमोशन दें, तो अभी मार्च में एक अगला इवेंट आ रहा है, तो इस तरह हम उसम के अंदर बच्चों को लेके आ रहे हैं कि 4 घंटे के लिए बच्चों को कोच दें। इसमें बच्चों की क्या पीक करना पड़ता है या किस तरह से? नहीं, वो जो बच्चे टैलेंट है ना उसको तो उसके से तो हम पे नहीं लेते, हम किसी मेंबर से पे ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो टैलेंट बच्चे होंगे ना जिनके अंदर टैलेंट है, तो वो स्नूकर एसोसिएशन जो होती है उनकी अपनी एक नज़र होती है कि ये बच्चे कितना खेल सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर जो हमने मेहनत करनी है वो बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी। अच्छा, ये इनकी क्या कितनी तादाद होती है बच्चों की अभी तक जिनका आपकी एकेडमी में एडमिशन हो चुका है? तादाद का नहीं होता, बच्चे तो बहुत हैं, अकेडमी हमारी हर क्लब के अंदर अकेडमी है। अच्छा अच्छा, वो इस तरह के अब जैसे लाहौर के अंदर 100 क्लब है, बड़ा क्लब, क्लब तो 1000 होगा लाहौर, लाहौर में तो 100 क्लब है, उसके अंदर कुछ 50 ऐसे क्लब हैं जहाँ हमारे स्नूकर बड़े खिलाड़ी जो हैं वो ऑलरेडी कोचिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब कोई टैलेंट होता है जो खेलता है, जो स्टार होता है, तो खिलाड़ी उसको देख के मॉडल रोल होता है, वो उसको देख के उससे सीखना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी गेम खेल रहा है। अच्छा, आपकी एकेडमी में सबसे कम से बच्चा अभी कोई ऐसा आता है जो कि क्या एज का? नहीं, कोई एज का नहीं, 14 साल से 15 साल का बच्चा स्नूकर खेलना शुरू हो जाता है। हमारे 2-3 लड़के ऐसे स्टार हैं जो 14 साल में 12 साल में उन्होंने परफॉर्म करके दिया था पाकिस्तान को। हमारा 17 साल का बच्चा एशियन खेल के आया था रशिया में। अच्छा। वर्ल्ड खेल के आया रशिया में। तो इस तरह बच्चे हैं, अभी भी एक बच्चा अंडर 18 है, तो ऐसा रमज़ान उसका नाम है, लाहौर से तल्लक है उसका, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो इंशाल्लाह आगे हमारा टैलेंट है, वो स्टार बनेगा।
अच्छा, ये लाहौर से ही सारे बिलोंग करते हैं जितने स्टूडेंट होते हैं आपकी एकेडमी? नहीं, कहीं से भी कोई आ जाए, कोई कहीं से भी आ जाए। अच्छा, ये नहीं है लाहौर से नहीं, पंजाब से कहीं से भी लड़का आएगा। तो आपने एकेडमी में कुछ हॉस्टल वगैरह या कुछ ऐसे? वहाँ ऑलरेडी है, वो सरकारी जगह पी एस बी कोचिंग अकेडमी है, वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कोचिंग अकेडमी ऑलरेडी, वो उसके अंदर 20 से 25 गेमें अब शुरू हो गई हैं। अच्छा, वो भी अभी रेनोवेट हुआ क्योंकि उसके अंदर पहले नहीं था काम हो रहा। अभी वहाँ के डायरेक्टर जो आए हैं नसरुल्लाह राणा साहब, उन्होंने उसको पकड़ा आके। अच्छा, तो अभी साल डेढ़ साल से उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गए हैं, सारी उसमें अकेडमियाँ खुलवा दी उसने। बहुत अच्छी बात। तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने हमें वहाँ अकेडमी की जगह दी और हम यहाँ तक 20 साल का ख्वाब था हमारा, वो अकेडमी बनाने का हमें मौका मिला। जी अभी हरी साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमें भी दिया है, इससे लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिली होगी, और बड़ा अच्छा लगा है कि आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतना फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुझे मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को इसी तरह की सोच रखनी चाहिए जैसी कि माशाल्लाह आपकी है। थैंक यू सो मच, मौका रखिए। थैंक यू जी। नाज़रीन, यकीनन आप एम बी गौरी साहब की बातों से बहुत महसूस होंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट शांजी खान को 94 न्यूज़ लाहौर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।